गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन 3 और 4 फ्रॉम क्लास 6 साइंस चैप्टर 5. हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो जो हम पल्सेस दालें घर में यूज़ करते हैं, हम उनके डर्ट को कैसे उसमें से निकालते हैं. ठीक है, आंसर देंगे. हस्क और बिगर पीसेज ऑफ डर्ट पार्टिकल कैन बी रिमूव फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पल्सेस बाय हैंड पिकिंग. हम कैसे निकालेंगे उन्हें? हैंड पिकिंग मैथड से, यानी कि हाथ से उनको रिमूव कर देते हैं उसको कुकिंग करने से पहले. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. वट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज. सीविंग क्या होती है? सीव क्या होती है? छलनी. और सीविंग क्या होती है? छलनी के द्वारा जब हम इम्प्योरिटी को निकालते हैं, ठीक है, मिक्सचर में से. तो हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं? सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस. इसमें क्या है? डिफरेंट साइज के जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, उनको निकालने के लिए सीविंग का यूज़ किया जाता है. सीविंग अलाउ फाइन पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव. उसमें से क्या है? फाइन ये छोटे पार्टिकल होते हैं वो सीव से निकल जाते हैं. वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव. जबकि जो बिगर इम्प्योरिटी रहती हैं वो ऊपर सीव में ही रह जाती हैं. ठीक है, सीविंग इज यूज्ड इन फ्लोर माइल्स टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन फ्रॉम फ्लोर. क्या होता है, जो जहाँ पे आटे की चक्कियाँ होती हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेन यानी कि गेहूँ में से जो है छोटे पार्टिकल्स को निकालने के लिए और टूटे हुए हुए पार्टिकल्स को निकालने के लिए उसके लिए यूज़ किया जाता है सीव को. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट लम्ब्स स्मॉलर स्टोन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट. कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसका यूज़ किया जाता है, उसमें से स्टोन और बिगर इम्प्योरिटीज होती हैं उनको निकालने के लिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.